ये देखिए गाइस, आज हम बनाने जा रहे हैं क्रीमी क्रीमी एकदम टेस्टी साबूदाने की खीर, जो कि ऑल टाइम सबकी फेवरेट होती है। व्रत में या ऐसे भी खा सकते हैं आप इसको। तो चलिए इसको बनाते हैं बहुत अच्छे तरीके से, बहुत यम्मी तरीके से अपनी ये साबूदाने की खीर। कि एक बार बनाएंगे तो आप व्रत हो या ना हो, आप ऐसे ही खाना पसंद करेंगे इसको। तो चलिए देखते हैं, बनाते हैं। हेलो एवरीवन, हम छाया मिश्रा आप सबका स्वागत करते हैं अपने चैनल छाया मिश्रा में। तो चलिए देखते हैं आज की हमारी रेसिपी, कि आज हम आप लोगों के लिए क्या लाए हैं। तो चलते हैं किचन की तरफ। देखिए, आज हम बनाने जा रहे हैं साबूदाना की खीर, क्योंकि हमारा पहला दूसरा नवरात्र है। और सॉरी गाइज, अभी इधर हम वीडियो नहीं डाल पा रहे थे, क्योंकि आप सबको पता होगा कि लखीमपुर में थोड़ा सा कुछ हुआ है दंगा फसाद। इसकी वजह से नेट हमारा बंद कर दिया गया था, मतलब सबका बंद कर दिया गया था। इस वजह से हम वीडियोस नहीं डाल पा रहे थे। आज हम बनाने जा रहे हैं साबूदाना की खीर। तो ये हमने कुछ ड्राई फ्रूट ले लिए हैं, आप अपने हिसाब से कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। और ये मखाने, तो ये देखिए हमने लगभग 6 स्पून ले रखा है साबूदाना। इसको हम अच्छे से वॉश करेंगे, ठीक है। कई बार पानी में हमें डालकर धुलना है इसको, तो इसको कई बार धुलेंगे और इतना धुलेंगे कि ये ट्रांसपेरेंट दिखने लगे, पानी क्लाउडी जो है। ये देखिए कितना, पहली बार धुलने में कितना क्लाउडी पानी निकला है, इसको हम फेंक देंगे और हम साफ अच्छे से धुल लेंगे। ये देखिए गाइस, थोड़ा सा पानी आधा इंच करीब ऊपर है, बाकी एकदम धुला हुआ साफ पानी ट्रांसपेरेंट वाला है। देखिए 5 से 6 बार हमने वॉश किया हुआ है, ट्रांसपेरेंट पानी बिल्कुल हो गया है। और इतना पानी है कि ये आधा इंच ऊपर ऊपर रहे, बस अब 1 घंटे भिगो के रख देना है। देखिए गाइस, भिगो के रखा था 1 घंटा करीब हो गया, बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं रहा है। और उस हिसाब से आप भिगोएंगे जिस हिसाब से हमने बताया था, तो बहुत टेस्टी मतलब बनेगा ये। और देखिए इस तरह से हम मसल के देखेंगे, ये बिल्कुल मसल रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा बन चुका है। तो चलिए आगे का प्रोसेस देख लेते हैं। ये देखिए गाइस, आधा लीटर हमने दूध लिया हुआ है, ठीक है। दूध की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये देखिए गाइस, हम दूध को बॉयल कर लेंगे, क्योंकि अगर दूध बॉयल करके हम ऐड करेंगे अपने साबूदाना में तो वो हमारा दूध फटेगा नहीं। तो उसको हम बॉयल करेंगे पहले। ये देख सकते हैं गाइस, दूध हमारा बॉयल हो चुका है, ठीक है। तो उसको हम साइड में रख देंगे और अपनी चढ़ाएंगे कढ़ाई। ये देखिए गाइस, 1 स्पून घी लिया हुआ है, इसको हम पूरे उसमें ब्लेंड करेंगे और पूरी कढ़ाई में अपने लगाएंगे। ये देखिए गाइस, हमने मखाने लेंगे जिनको ड्राई रोस्ट करेंगे इसमें डाल करके, ठीक है। तो इनको ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। देखिए नारियल और ये भी आप ड्राई रोस्ट कर सकते हैं, हम अभी ड्राई रोस्ट करेंगे इसमें, देखिएगा। देखिए गाइस, 1 मिनट भून चुके हैं, ठीक है। तो अब इसमें ये ड्राई मेवे डालेंगे, वो भी हमें ऐड करना है अपने हिसाब से। इसको भी 1 मिनट के लिए भून लेंगे, ठीक है। हमने ग्रेट करके डाला हुआ है, आप अगर चाहें तो आप ऐसे ही डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इनको भी हम 1 मिनट के लिए भून लेंगे। अब ये मखाने हैं, आप चाहें तो इनको तोड़ सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो बड़ा भी रहने दीजिए। तो हम इनको तोड़ दे रहे हैं। ये देखिए गाइस, तो ये हमारा रोस्ट हो चुका है। तो अब इसमें हम अपना साबूदाना ऐड करेंगे। ये देखिए, इसको भी हम अच्छे से इसी के साथ रोस्ट करेंगे। साबूदाना अच्छा सा खिला खिला, चाहे वो खीर हो चाहे खिचड़ी हो, कुछ भी बनाने के लिए अच्छे से घुलना बहुत जरूरी है। इसको ट्रांसपेरेंट होने तक घुलें, जब तक उसका क्लाउडी पानी आता रहे तब तक उसको धुलते रहें, और बाद में 1 घंटे के लिए भिगो के रखते हैं, ठीक है। तो उसको हम भून लेते हैं। ये देखिए गाइस, अलग अलग हो रहा है दाना दाना, और अच्छे से भून के भी आया हुआ है। 1 मिनट भून चुका है, तो अब उसमें बॉयल्ड दूध है वो हम डाल देंगे इसमें धीरे धीरे करके, ठीक है। तो सारा दूध ऐड कर दिया, ऐड कर दिया, इसको हम पकाएंगे। ये देखिए गाइस, हमारे साबूदाने में बॉयल आ गया, और ये आप देख सकते हैं दूध भी नहीं हमारा फटा हुआ, इसी वजह से कह रहे थे बॉयल दूध डालिएगा, ठीक है। अब इसमें हम डालेंगे चीनी। तो देखिए जितना हमारा साबूदाना था उतना ही हमने चीनी ले लिया है। मीठा आप अपने हिसाब से कुछ थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। और ड्राई फ्रूट भी आप अपने मन हिसाब से ले सकते हैं, जो आपको पसंद आए। अब इसको चीनी घुलने तक अच्छे से पकाएंगे, फिर सर्व करेंगे। देखिए गाइस, हमारी बन चुकी है खीर, ठीक है। हमें थोड़ा सा पतली पसंद है, तो इसलिए पतली बनाई है। और आप जैसी आपको कंसिस्टेंसी चाहिए, पतली या थिक, वैसे ले सकते हैं। देखिए इतनी पतली भी नहीं है, देखिए अच्छे से हमारा जो स्पैचुला है वो कोट कर रहा है। तो इसका मतलब हमारी अच्छे से खीर बन चुकी है। तो
अभी ये ठंडी होगी तो ये और थिक हो जाएगी, इस वजह से अब इसको हम रखेंगे ठंडा करने के लिए। हमने स्विच ऑफ कर दिया है और इसको ठंडा होने के बाद सर्व करेंगे। ये देखिए गाइस, हमारी बन चुकी है साबूदाने की खीर। बिल्कुल स्टिकी नहीं है और बहुत टेस्टी है। ऐसे अगर एक बार आप बना के खाएंगे ना, तो अगर व्रत नहीं भी होंगे ना, तब भी ये साबूदाने की खीर आप खाना पसंद करेंगे। इतनी यम्मी, इतनी टेस्टी। गाइस वंस अगेन एक बार और सॉरी, क्योंकि मतलब आप लोगों को बताया भी है आगे कि लखीमपुर का कुछ हादसा हुआ था जिसकी वजह से इंटरनेट बंद कर दिया गया था, जिसकी वजह से हमारी वीडियोस नहीं आ पाई हैं। बट कोशिश ये करेंगे कि अब रेगुलर वीडियो आती रहें। तो अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, और मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक यू, बाय बाय।